नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज आठवां और अहम दिन है। आज किसानों और सरकार के बीच फिर से बातचीत होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मीटिंग होगी। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम अचानक ये फैसला हुआ है। बताया तो ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री कई सुझाव देंगे ताकि गतिरोध खत्म किया जा सके। गौरतलब है कि 1 दिसंबर को सरकार ने पंजाब और यूपी के किसानों से अलग अलग बात की थी। ये बैठक बेनतीजा रही थी। किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार समाधान की जगह साजिश रच रही है। वह किसानों से अलग अलग बैठक कर उन्हें बांटना चाहती है। किसानों ने फैसला लिया कि सरकार से अब अलग अलग नहीं, एक साथ मीटिंग करेंगे। किसानों की सरकार से आज चौथी और दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन शुरू करने के बाद दूसरी बातचीत होगी। इस मीटिंग के लिए सरकार और किसान बुधवार को दिन भर स्ट्रेटेजी बनाते रहे। किसानों ने 5 बार और सरकार ने 2 बार बैठकें की। किसानों ने कृषि कानूनों में आपत्तियों का 10 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार किया है। आज किसान 5 मांगों को प्रमुख रूप से उठाएंगे। यह मांग केंद्रीय कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करने, केंद्र की कमेटी की पेशकश मंजूर नहीं करने, MSP हमेशा लागू करने, 21 फसलों को इसका फायदा देने, खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवारों को केंद्र से आर्थिक मदद देने के बारे में है। राजस्थान के किसानों का एक दल भी सिंधु बॉर्डर पहुंचा है। उनका कहना है कि राजस्थान के 500 किसान जल्द यहां पहुंचने वाले हैं। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर आज लगातार दूसरे दिन बंद किया गया है। हालांकि बुधवार को सुबह बंद करने के बाद दोपहर 3 बजे से खोल दिया गया था। यहां अब आपको किसानों की आगे की रणनीति भी जाननी चाहिए। किसान नेता आज सरकार से बात करेंगे और देश भर में कानूनों के विरोध में ज्ञापन सौंपे जाएंगे। 5 दिसंबर को देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंबानी और अडानी के पुतले फूके जाएंगे। 7 दिसंबर को देश भर में खिलाड़ी और कलाकार अवार्ड और सम्मान लौटाएंगे। वहीं किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के जॉइंट सेक्रेटरी SS सुभरन का कहना है कि केंद्र किसानों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी 507 किसान संगठनों के साथ मीटिंग नहीं करते, तब तक हम किसी और मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.